फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज की दिन की शुरुआत हो रही है मैंगो शेक से। सीजनल फ्रूट है मैंगो, तो मैंने मैंगो काट के डाल लिया है छोटे पीसों में। आइस क्यूब डाल लिया है, चीनी डाल लिया है और दूध डाल दिया है, और इस तरह से घुमा दूंगी। अच्छा सा थिक सा मैंगो शेक बन के रेडी हो जाएगा। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंगो के पीस आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, तो मैं ना एक में ही डालूंगी। और ऊपर से आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता से, बादाम से, काजू से। मैं यहाँ पे बादाम से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंगो शेक बन के रेडी हो गया है। आजकल का सीजन का ये, वैसे तो ये फलों का राजा है। कोल्ड स्टोरेज वाले हर सीजन में मिल जाएंगे, लेकिन आजकल की बात ही अलग होती है। और बहुत थिक और क्रीमी बना था। कल मैंने मक्खन बना के रखा था, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मक्खन ना मैंने ऐसे ही रखा है, अभी मेल्ट ही नहीं किया है। अभी क्या बताऊँ आपको, रेसी की तबीयत ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स रात को, तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई। तो आज आपको ना ब्लॉग ऐसे ही मिलेगा, कुछ क्लिप आज की मिलेगी, कुछ कल की मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, मेरा दूध अच्छे से बॉईल हो गया था, किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद ही मैंने ब्लॉग बनाया। रेसी को कल उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी रात भर रेसी बाथरूम में बैठा रहा, है ना, नींद नहीं आई ना। तो आज रेसी स्कूल भी नहीं गया, वैसे भी आज बैगलेस डे था। बैगलेस डे हर महीने के आखिरी दिन में होता है, और आज है 30 अप्रैल, अप्रैल का आखिरी दिन, तो इसलिए आज एक्टिविटीज होगी स्कूल में और हाफ डे भी होगा। तो पढ़ाई तो होगी नहीं, प्लस हाफ डे भी होगा, तो इसलिए मैंने किया। और अभी क्या कर रहे हो? नहा धो के ये देखिए टेबल में पैर रख के और देख रहा है अपने कार्टून। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में रेसी को नहा के अच्छा फील हो रहा था, तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा था उसे देख देख के, क्योंकि जब बच्चे सही रहते हैं तो माँ बाप अपने आप ही सही हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और नए दिन की शुरुआत हो गई है, और मेरे यहाँ पे ना फुंसी उड़ के बहुत दर्द कर रही है। ये देखिए बिल्कुल नाक के सामने, तो बहुत दर्द कर रही है। और आज रेसी भी घर पे ही है, और नेगी जी आज ना देर में गए, थोड़ा सा गेट पास गए, तो अभी अभी गए हैं नेगी जी। 10:30 हो रहा है, और मेरा ना सारा काम हो चुका है, बस दूध गर्म हो रहा है। और उसके बाद मैं ना रेसी अभी नहाया था, तो उसके कपड़े धोऊंगी, बाकी सबके कपड़े मैंने धो दिए थे। तो आप बने रहे ब्लॉग में और देखते हैं कि क्या करती हूँ मैं आज पूरे दिन में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लंच में कुछ स्पेशल बनाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये है पहाड़ की स्पेशल सोयाबीन की रेसिपी, इसको बोलते हैं भटकी चुरकानी। लेकिन कोई कोई लोग ना भट को पीस के बनाते हैं, सोयाबीन यानी काले वाले जो सोयाबीन होते हैं ना, उसकी दाल है ये। तो कोई कोई लोग पीस के बनाते हैं, लेकिन हम लोग भट को भून के बनाते हैं, जिसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में आटा भी डलता है, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे। मुझे पर्सनली भट या सोयाबीन जो है वो बहुत पसंद है, चाहे वो काले वाले हो चाहे वो सफ़ेद वाले हो। तो बस यही मैंने बनाया था आज। फ्रेंड्स, अभी है ना इवनिंग का टाइम है, और कितना हो रहा होगा, 4:30-5 बज रही होगी। रेसी जा रखा है ट्यूशन। आज मैंने ना ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि रेसी की कल रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मतलब कल उसने बहुत उल्टी की, 4-5 बार उल्टी की। तो आज बैगलेस डे था, जैसे कि आपको उसने सुबह बताया भी, तो वो स्कूल नहीं गया। और दिन में मैंने बनाया था आज काले वाले सोयाबीन होते जो उसकी दाल, और चावल बनाए थे। हमारे पहाड़ में ना 2 तरह के सोयाबीन होते हैं, एक काले वाले होते हैं, एक सफ़ेद वाले होते हैं। तो वो काले वाले सोयाबीन जो है बहुत हेल्दी होते हैं, सोयाबीन तो दोनों ही हेल्दी होते, लेकिन काले वाले ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और वो यहाँ नहीं मिलते, पहाड़ में ही मिलते हैं। तो बस उसके बाद ना मैंने रेसी को थोड़ा सा आराम करवाया था, और अभी वो अच्छा फील कर रहा था, तो वो ट्यूशन चला गया है। और सुबह जब से मैंने नहला धुलाया के उसको बिठाया था, तब से उसने उल्टी वगैरह तो नहीं करी उसने सुबह से, लेकिन जब रात को इतनी बार बच्चा उल्टी करेगा तो शरीर थोड़ा सा वीक हो जाता है ना। तो फिर मैंने भी ब्लॉग नहीं बनाया। और मैंने ना एक लाइट कलर की साड़ी ऑर्डर की थी, तो ये आ गई है। बस मैं यही देखने जा रही थी कि ये कैसी आई है, अगर सही लग रही होगी तो रखूँगी, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज ना बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं पाया, तो देखती हूँ अगर शाम को बनाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो कल की जो क्लिप बची है उसको मैं इसमें ऐड करके आप लोगों को पोस्ट करूंगी।
तो फ्रेंड्स, मैंने ये साड़ी तो ऑर्डर की थी, कॉटन की है, बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मुझे ब्लाउज़ ना समझ आ रहा, ना मुझे इसका पल्ला समझ आ रहा, पता नहीं कैसा है ये, तो मैं इसे डेफिनेटली रिटर्न कराने वाली हूँ। और ये ना कल की क्लिप है, मैंने आपको बताया था मौसम बारिश जैसे हो रखा है, तो यहाँ पे बारिश आ चुकी है और अभी तो धीरे धीरे ही आ रही थी, मैं सब्जी डाल रही थी तो मैंने देखा बारिश आ रही है, और रेसी बोल रहा था मुझे भूख लगी है, तो मैंने उसे दूध और मट्ठी दी है, बॉर्नविटा वाला दूध बना के दिया है। फ्रेंड्स, ये कल शाम की ब्लॉग है और जो इससे आगे आपने देखी होगी वो आज की है। तो यहाँ पर रेसी पढ़ाई कर रहा था तो मैं उसको यहीं पर दूध दे के आ गई, और न आज रात को हुई थी उसकी तबीयत ख़राब, जो मैंने आगे आप लोगों के साथ शेयर करी। और यहाँ पे मैंने तोरी की सब्ज़ी रख दी थी गैस में और आटा निकाल दिया था मारने के लिए, और आज सुबह मैंने सारे पायदान धोए थे तो बस वही मैं बिछाई नहीं थी, तो अभी मैं बिछा रही हूँ। और ये पायदान ना बहुत ही गंदे हैं फ्रेंड्स, ये महंगे के महंगे हैं और इनका बहुत जल्दी कलर फेड हो जाता है, लगते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कलर बहुत जल्दी चला जाता है इनका। तो ये ना मैं किलो के हिसाब से मिलते हैं ये पायदान, ना जितना किलो वेट होगा उस हिसाब से पैसे लेंगे, और नेक्स्ट टाइम से मैं ये वाले कभी नहीं खरीदने वाली हूँ। तो बस ऐसे समझो कि मैं इन वालों में लूट गई, मैं कम से कम 5-6 पायदान लेके आई थी, कोई 300, कोई 350, कोई 400 ऐसे था, और ये तो मैंने ऐसे ही लिए थे, यहाँ पे 30-30 रुपए के थे, कितने के थे, और ये वाला भी 250-300 का था। और अब देखिए, अंदर आ जाओ, तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा, अचानक इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मतलब, और ऐसा नहीं है कि बारिश हुई तो ठंडा हुआ होगा मौसम, बिल्कुल भी नहीं, गर्मी उतनी की उतनी ही थी। हाँ, थोड़ी देर बाद थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलने लग गई थी, बट अंदर उतनी ही गर्मी हो रही थी, मतलब अंदर फिर भी एसी चल रहा था। तो आजकल का मौसम कैसा है पता ही नहीं चल रहा, बरसात बोल रही कि मैं पहले, धूप बोल रही है मतलब गर्मी बोल रही है कि मैं पहले, और तूफान आंधी तूफान बोल रहा है कि मैं पहले, और इन सारे मौसमों में ऐसे जंग छिड़ रही है ना, उसमें पिस रहे हम इंसान लोग। तो मौसम का कभी भी मूड चेंज हो जा रहा है, मौसम के मूड का पता ही नहीं चल रहा है आजकल, ऐसा सिचुएशन हो रखी है। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली ना सब्जी बना ली है और रेसी को मैंने बॉर्नविटा नहीं हॉर्लिक्स वाला दूध बना के दे दिया है, और साथ में मैंने दे दी मठिया खाने के लिए उसको, क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे बार बार भूख लगी बोलता रहता है। पहले ना रेसी को खाना खिलाने में ना मेरा दिन रात एक हो जाता था, उसके पीछे भागना पड़ता था, खा लो खा लो खा लो, हर चीज़ में नखरे करता था, हर चीज़ में, मतलब खाना भी उसे इतनी मुश्किल से खिलाती थी। लेकिन झूठ, अब मतलब कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं खाता है, बाकी सारी चीज़ें खा लेता है, और खुद से बोलता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो उसको मैंने दूध दे दिया है पीने के लिए, साथ में मट्ठी दे दी और सब्जी चढ़ा ली है, आटा निकाल के रख दिया, बस आटा लगाऊंगी। और नेगी जी अभी भी नहीं आए हैं, और मैंने आपको दिखाया अभी बारिश होने लग गई थी, फिर से गर्मी होने लग गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज ये देखिए मैंने मैक्सी डाल लिए, मैक्सी मैं वैसे बहुत कम पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर ना टी शर्ट लोवर पहनती हूँ, मैं टी शर्ट लोवर में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे, और सूट में मेरे को बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन पहनना पड़ता है दिन भर में ना, लोग आते हैं ना कोई आता ही रहता है घर में, तो फिर हज़ार लोग हज़ार तरह की बातें बनाते हैं। तो फिर मैं ना क्या करती हूँ, ज़्यादातर सुबह के टाइम नहा के सूट डाल लेती हूँ, फिर शाम के टाइम टी शर्ट लोवर डाल लेती हूँ। कभी कभी तो आलस आता है तो मैं पूरे दिन ही टी शर्ट लोवर डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा बाहर जाना बहुत कम होता है। और ये वाली मैक्सी ना आई थिंक मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, कॉटन की है, प्योर कॉटन की, बहुत अच्छी है, स्लीवलेस है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलती हूँ कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।